केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोदी सरकार के किए गए कार्यों का बखान किए। वहीं रघुवर दास ने कहा कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है। कहा, 8 वर्ष में हम भारतवासी गौरवशाली हैं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो पूरे दुनिया में भारतवर्ष का मान सम्मान को वृद्धि किया। वहीं बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। वहीं इस 8 वर्ष में भारत का जन जन का उत्थान, गांव, गरीब, नवाज, जवान, किसान का सशक्तिकरण और भारत दुनिया का नेतृत्व करे, आज देखा जा रहा है कि मोदी जी बोलता है और दुनिया सुनता है। मैं हम भारतवासी गौरवशाली है, हमें ऐसा प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला जिसने ना सिर्फ दुनिया में भारत की मान सम्मान को वृद्धि किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का। इन 8 वर्ष में भारत के जन जन का उत्थान के साथ साथ जो भारत के गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान के सशक्तिकरण के लिए काम किए वो अनूठा। आज भगवान उनको और शक्ति दे और जो हम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के साथ साथ करोड़ों देशवासियों का सपना कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, और आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी बोलता है, भारत बोलता है, दुनिया सुनता है, ऐसा भारत मोदी जी के नेतृत्व में बना। महंगाई को लेकर विपक्ष घेर रहा है सर। देखिए, अब पार्टी का हम लोग का रूटीन वर्क है, ऐसे भी 2-3 महीने पे जिला कार्य समिति की बैठक होती रहती है, और इस बार तो सौभाग्य से हमारे लिए कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए, और निश्चित रूप से हम अभी जो केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए तो हम जनता के बीच में भी जाने वाले हैं। हमारे 8 साल बेमिसाल हैं और 8 साल में फ़र्क स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है केंद्र सरकार के, कि पहले विश्व बोलता था, भारतवर्ष सुनता था, आज भारत बोलता है और विश्व को सुनना पड़ता है। तो 8 वर्ष में बहुत से परिवर्तन हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, और इसलिए जो हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से भारत मजबूत हो रहा है, भारत में विकास के कार्य हो रहे हैं, विश्व के फ्रंट पर पूरे विश्व में भारत अपना धाक जमा रहा है, इस प्रकार से जो हर फ्रंट में भारत आगे बढ़ रहा है, आंतरिक संसाधन हमारे मजबूत हो रहे हैं, डिफेंस के बहुत से सामान जो हम विदेशों से मंगाया करते थे वे हम खुद देश के अंदर बना रहे हैं और विदेशों को भेज रहे हैं, हम दवा भी विदेशों को भेज रहे हैं, हमने टीकाकरण अभियान जो हमारा चला कोरोना का वो विदेश के कई देशों को हमने दिया है। तो इस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसमें महिलाओं की शक्ति फिर पूरी तरह से बढ़ रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए, किसानों के आय को दुगना करने के लिए, यहाँ के नागरिकों को सम्मान को बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लगातार इस प्रकार की बैठक कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा करके उनकी यह उपलब्धि, खास करके आज जो इस राज्य के अंदर सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, आज तो हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया कि वो CBI वो जो केस चल रहा है वो मेंटेनेबल है, यह भी आ गया, तो इसलिए कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि ये सरकार के ऊपर जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोपी सरकार के ऊपर है। तो 5 मंत्रियों के खिलाफ ऐसी भी जांच, क्या ये राजनीतिक से प्रेरित है या फिर कहीं कुछ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिखाने के लिए है ना, या प्रचार ज़्यादा हो रहा है जांच के नाम पर कि 5 मंत्रियों की अचल संपत्ति, ये तो इनकम टैक्स में दिया हुआ है, एफिडेविट दिया हुआ है, इलेक्शन के समय 5 साल में लैंड का वैल्यू बढ़ जाता है, 5 साल में उनके वेतन तलब तनख्वाह भी आए, या और कोई घर में कोई काम धंधा होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए, और ये तो इनकम टैक्स विभाग जांच करेगा कि यह इन्होंने जो अपना रिटर्न फाइल किया वो कहां से आया, नहीं आया, तो ये जांच होता है, ये विभाग की तरफ से होता है। अब ये दिखाने के लिए कि ACB जांच एक सेंसेशन पैदा करने का कि ये